अरे कहाँ देखना, अभी जूते लगेंगे इनके, लठ तेल पैपा के लठ तैयार कर रखे लोगों ने, हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी सारे। हाँ। इनकी गामा में घुसने की हिम्मत को नहीं था, 50 साल राज की बात करो, अब तो घंटा का चाणक्य चाणक्य मेरे को कह लो, ऐसे तो फेंकने में मीडिया खरीद लो, मीडिया किसकी है, उसी की तो मीडिया है जो कहता है कि हम हवा से पानी और ऑक्सीजन अलग कर दे, नारे की गैस से मैंने चाय बनाई थी, मतलब जो बंदा साइंस की जिसने धज्जियां उड़ा रखी है वो साइंस का डिपार्टमेंट लेने लग रहा है, तो सोचा इस देश का क्या भविष्य हो सकता है। सिलेंडर मतलब मानसिक तौर पर गुलाम हो चुका है आज के टाइम पे देश, जो देश 30 रुपये पेट्रोल की लालच के अंदर सरकार बदल सकता है, आज वो 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल के दाम पे भी वो देश बिल्कुल चुप है, चू तक की आवाज़ नहीं कर रहा, यही तो मानसिक गुलाम पे। मूर्ति बता दो एक बार, किसको मूर्ति रोटी देने लग रही है, वो मूर्ति है, मूर्ति बनाई है इतनी 300 करोड़ की, किसको रोटी देगी, मंदिर बन रहा है, मंदिर से किसको रोजी रोटी मिलेगी, और उनकी ऐसी हिम्मत है ना, आज हरियाणा में मैं बोलता हूँ खुला चैलेंज, हरियाणा के अंदर आके दिखाए वो हिंसा नहीं, हिसाब करेंगे, कैसा हिसाब, हिसाब हो जाएगा, जैसा उसने हमारे साथ कर रखा है ना सड़कों पे बैठा रखा है वैसा ही उसके साथ होगा, कौन सा पाकिस्तान का आपता है, कौन सा पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान हो, अगर दाढ़ी से पाकिस्तान का आपता है तो फिर तो पता नहीं हो लिया, इतने साधु संत बाबा बैठे फिर तो पाकिस्तान ने कभी युद्ध ही नहीं होने थे हमारे, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है ऐसा नरबख्शी जीव प्रधानमंत्री है, मैं नहीं कहता, ताना शाह है, फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट देख लो, उसके अंदर हम पार्शियली फ्री देश है, आंशिक तौर पे गुलाम, धूल चेहरे पे थी वो आईना साफ करते रहे, गलती कप्तान की थी वो खिलाड़ी आउट करते रहे, खराबी इंजन में थी वो रेलगाड़ी के डिब्बे बदलते रहे, मतलब सीधा सीधा प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे कि प्रधानमंत्री में कमी है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री जो असली इकोनॉमी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, जो टॉप की कैटेगरी है ना पूरी की पूरी, वैसे तो पूरी की पूरी सरकार ही करप्ट है, खराब है ये, लेकिन जो मेन दिक्कत थी ना जो ऊपर के तबके में थी वो तो वैसा का वैसा है, और असल बात क्या थी कि इनको क्यों बदला गया, कि भाई 2.5 साल तुमने सत्ता की मड़ाई खा ली, 2.5 साल और अब दूसरों को नंबर दो, उनको भी सत्ता की मड़ाई खानी है, फिर तो हम फकीर आदमी है, जोड़ा लेके भागना तो है ही देश से, कहाँ भागना है, 50 साल राज करना है, भाग, अरे कहाँ देखना, अभी जूते लगेंगे इनके, लठ तेल पैपा के लठ तैयार कर रखे लोगों ने, हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी सारे। हाँ। इनकी गामा में घुसने की हिम्मत को नहीं था, 50 साल राज की बात करो, मतलब अमित शाह ऐसे ही कह रहे हैं क्या 50 साल राज करेंगे, अरे उसने तो मेरा अनके के गई थी दिल्ली में भी गई थी उसने तो, 70 में तो 60 सीट लाऊंगा, बंगाल में भी गई थी 200+ सीट लाऊंगा, हाल देखा होगा फिर, चुनाव के चाणक कहे जाते हैं राजनीति के चाणक, तो घंटा का चाणक्य चाणक्य मेरे को कह लो, ऐसे तो फेंकने में मीडिया खरीद लो, मीडिया किसकी है, उसी की तो मीडिया है, उसी अपनी मीडिया पे प्रचार करवाते रहते हैं कुछ भी, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अब वो स्तंभ तो गिर गया, आज कड़ा है वो स्तंभ, स्तंभ की मीडिया का क्या काम होता है, जनता की बात करना, जनता की बात सरकार तक पहुंचाना, असल मुद्दे उठाना जमीन पे, कौन सा मुद्दा उठाने लग रही है आज मीडिया, किसानों की बात नहीं कर रही, कब कर रही है, कौन सा, शुरू में दिखाया भी तो क्या, आतंकवादी खालिस्तानी ये सब किसने दिखाया, आज इतनी 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर किसान आज भी यहाँ बैठे हैं, लेकिन किसी मीडिया चैनल के ऊपर जिक्र चल रहा है, कभी कभार सिर्फ अपनी TRP के लिए वही टिड्डी दल दिखा दिया, ऐसे ऐसे कुछ भी, हर दिन चैनलों पे देखो डिबेट होती है, कहाँ होती है, सिर्फ एक आधे चैनल पे NDTV वगैरह कुछ को छोड़ के, और जो भी अगर कोई दिखाता है G News जैसा वो टिड्डी दल ऐसी फेक न्यूज दिखाता है, प्रधानमंत्री थर थर कांप रहा, प्रधानमंत्री की दाढ़ी से पाकिस्तान थर थर कांप रहा, क्या इससे खुशी नहीं है आपको, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है दाढ़ी से, तो कोई लॉजिक है आपकी बात के अंदर, लॉजिक है, प्रधानमंत्री ने साइंस और टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट लिया है, उस बंदे ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट लिया है जो कहता है कि हम हवा से पानी और ऑक्सीजन अलग कर दे, नारे की गैस से मैंने चाय बनाई थी, मतलब जो बंदा साइंस की जिसने धज्जियां उड़ा रखी है वो साइंस का डिपार्टमेंट लेने लग रहा है, तो सोचा इस देश का क्या भविष्य हो सकता है, हो सकता है कि क्योंकि प्रधानमंत्री को इसलिए बनाया गया, कहते हैं लोग कि उन्हें देश को विश्वगुरु बनाना है, तो विश्वगुरु कौन सा विश्वगुरु बनाना है, विश्वगुरु कब बनता है, जब आप अपने देश के गरीब निचले तबके को हर समुदाय को उठाओगे, रोजी रोटी का प्रबंध करोगे, तभी आप विश्वगुरु की सोच सकते हो ना, लेकिन
क्या होने लग रहा है, आज देख रहे होगे आप सड़कों के ऊपर लोग मरने लग रहे, हंगर इंडेक्स के अंदर हमारा क्या हाल है, लोगों के पास रोटी नहीं है। यहाँ 7 महीने से किसान यहाँ बैठे, 8 महीने होने वाले हैं, लेकिन कहाँ विश्व गुरु के सपने ऐसे होते हैं क्या? GDP इकोनॉमी किसी भी चीज़ के अंदर दिखा दो, कहाँ से हम विश्व के, विश्व तो आज हमारे ऊपर हंसने लग रहा है, जनता के ऊपर, कि यहाँ की जनता कितनी पागल है, कैसा प्रधानमंत्री बनाया इन्होंने, क्या सोच के बनाया है प्रधानमंत्री, ऐसा सोच के बनाया है जो गुजरात का मॉडल लेकर के यहाँ पर आए थे। अरे गुजरात का कौन सा मॉडल, गुजरात है नहीं मॉडल? गुजरात जो सरकार की एजेंसियों की रिपोर्ट्स आती हैं उनके अंदर भी जो सरकारी रिपोर्ट है, एजुकेशन के अंदर किसी भी चीज के अंदर टॉप पे है गुजरात, एजुकेशन के अंदर 25वें नंबर पे है गुजरात। कौन सा गुजरात का मॉडल एक बार बता दो, वो 2002 वाला गोधरा कांड वाला मॉडल क्या, वही तो अपनाने लग रहे हैं ना पूरे अंदर, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए थे, आज यही करवाने लग रहे हैं, धर्म के नाम पे लोगों को बांटो, रोजी रोटी से भटकाओ। कहाँ, यही टीवी चैनल तो दिखा रहा था, मेनस्ट्रीम मीडिया तो दिखा रही थी कि भाई गुजरात मॉडल आया, गुजरात मॉडल। तो गुजरात मॉडल किसकी मीडिया है, मैं सीधी सी बात बताता हूँ, देखो जी न्यूज का मालिक है सुभाष चंद्रा, सुभाष चंद्रा किसका है, बीजेपी का राज्यसभा सांसद। ऐसे ही कुछ अडानी ग्रुप के चैनल है, अडानी को पूरी की पूरी सप्लाई, जो जैसे वो पॉलिसीज चाहते हैं वैसे कौन बनाने लग रही है, मोदी गवर्नमेंट। तो ये पूरा का पूरा ये आपस में मिक्सअप है, इन्हीं के चैनल है, जनता के चैनल थोड़े ही हैं ये। क्या लगता है किसान आंदोलन के नेता जो राकेश टिकैत हैं, आज उन्होंने अपने कंधे पर सिलेंडर उठा करके प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या मुद्दे से भटक चुके हैं क्या? नहीं, असल मुद्दों पे आए हैं, मुद्दों से भटके नहीं है, असल में तो ये मुद्दे होते हैं विपक्ष के, लेकिन इस देश में विपक्ष मर चुका है, तो ये जनता की, आम जनता की जिन भी थोड़े बहुत का जमीन जमीन नहीं बची क्या, डरा रखी है, धमका रखी है, क्या बता उनका क्या हाल है, वो बोल ही नहीं रही है, बिल्कुल चुप है विपक्ष की पार्टियां। जिन लोगों का थोड़े बहुत का जमीर बचा है वो आज इस आंदोलन में है, क्योंकि जमीर होना जरूरी इस आंदोलन के लिए। आपने देखा हो गैस सिलेंडर, मतलब मानसिक तौर पे गुलाम हो चुका है आज के टाइम पे देश, जो देश 30 रुपये पेट्रोल की लालच के अंदर सरकार बदल सकता है, आज वो 100 रुपये से ज्यादा पेट्रोल के दाम पे भी वो देश बिल्कुल चुप है, चू तक की आवाज नहीं कर रहा, यही तो मानसिक गुलाम। अरे कौन सा राष्ट्रहित बता दो, श्रीलंका हमसे पेट्रोल लेने लग रहा है, हमसे सस्ता पेट्रोल बेचने लग रहा है, तो राष्ट्रहित जब होता है आप अपनी जनता की बात करो, जनता की रोजी रोटी की बात करो, आप अपने जनता को सस्ता पेट्रोल दोगे इसी से तो जनता का भला होगा, देश की तरक्की होगी, क्योंकि कौन सी तरक्की, देश के खजाने में ना पैसा था, पैसा नहीं है, तो सारा पैसा तो बैंक करप्ट इनको, नीरव मोदी को, मेहुल चौकसी को, इन सबको उड़ा उड़ा के भगा दिया ना, रिजर्व बैंक से हमारे ऐसी कभी भी आपदा नहीं है कितने, लेकिन फिर भी इन्होंने रिजर्व बैंक से भी पैसा निकाल लिया है, क्योंकि सारा चुनाव प्रचार रैलियों में मूर्तियों पे, मूर्ति बता दो एक बार किसको मूर्ति रोटी देने लग रही है, वो मूर्ति है, मूर्ति बनाई है इतनी 300 करोड़ की, किसको रोटी देगी, मंदिर बन रहा है, मंदिर से किसको रोजी रोटी मिलेगी, किसकी को मिलेगी, अगर उसकी तरह उसकी जगह अस्पताल बनता, यूनिवर्सिटियां बनती तो कितना अच्छा होता। क्या लगता है सर, राकेश टिकैत जी आज सिलेंडर लेकर के जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या अब इन जो मुख्य मुद्दों को लेकर के किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर जो बैठा हुआ आज तकरीबन 8 महीने से संघर्ष कर रहा है, उससे हट करके अब तो आंदोलन लगता है महंगाई को लेकर करने लगे, हर मुद्दे को लेकर के करेंगे, अभी तो सिर्फ आपने देखा है गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल को, लेकिन अभी कोर्ट ने इन कानूनों के ऊपर रोक लगा रखी है, जिस दिन ये कानून लागू हो गए ना, जैसे आज वैक्सीन नहीं मिली ना लोगों को, वैक्सीन ऑक्सीजन की किल्लत हुई, उसी तरह से अनाज तिजोरियों के अंदर बंद होगा, अनाज के लिए लोग तड़पेंगे मरेंगे, जो कंपनियां हैं कॉरपोरेट कंपनियां, जो अंबानी अडानी के लोग हैं वो अपने मन मर्जी के दाम पे को ये बेचेंगे, मैं तीनों कानून भी समझा सकता हूँ आपको। तो इसीलिए नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे थे कि अब किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत अपने मुद्दे से भटक चुके हैं, अब ये दुनिया भर का ठेका लेके बैठ गए। अरे उनको तो क्या, उनको तो यही फालतू की बयानबाजी करनी है, अपनी मीडिया के ऊपर प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ तो बोलेंगे, बकवास करनी है उनको तो दिन रात, असल मुद्दों पर बात करनी तो है नहीं, और उनकी ऐसी हिम्मत है ना, आज हरियाणा में मैं बोलता हूँ खुला चैलेंज है, हरियाणा के अंदर आके दिखाए, वो पंजाब के अंदर आके दिखाए, हिंसा करेंगे आप, हिंसा नहीं हिसाब करेंगे, कैसा हिसाब, हिसाब हो जाएगा जैसा उसने हमारे साथ कर रखा है ना, सड़कों पे बैठा रखा है वैसा ही उसके साथ होगा, सड़क बैठाने का ना, वो किसान मारे अपना आप देख लेंगे, मेरे तो बड़े मेरे दादा की उम्र के गणे हैं, सारे अपना आप हिसाब कर लेंगे उसका। अभी आप कह रहे थे कि तीन किसी कानून को आप समझाना चाहते हैं, कैसे समझाना चाहते हैं, क्या देखो, एक है संशोधन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसके अनुसार स्टॉक की कोई भी लिमिट नहीं रहेगी,
पहले स्टॉक की लिमिट होती थी, स्टॉक की लिमिट नहीं रहेगी तो यानी कि कोई भी कितना भी भंडारण कर सकता है। एक कॉरपोरेट, आप खुद सोचिए, एक किसान जिसकी छत टपकती है वो कहाँ से भंडारण करेगा? जो बड़े बड़े गोदामों वाली कंपनियां हैं वो स्टोरेज करेगी। जब डिमांड बढ़ेगी, डिमांड सप्लाई कंट्रोल करेंगे, आप अगर इकोनॉमिक्स कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो अच्छे से समझेंगे, डिमांड एंड सप्लाई उन कॉरपोरेट्स के हाथ में आ जाएगी, जिससे वो अपने मनमानी से जितना रेट चाहेंगे उतना बढ़ा देंगे उतना। और एक है जो क्या कह रहे हैं, अरे कुछ भी हो रही, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में तो कोई कमी होती नहीं, नहीं बिल्कुल कमी है, कहाँ से? अगर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में कमी नहीं है तो वो आके किसानों से बात क्यों नहीं करते, इतना डरते क्यों हैं? क्यों उन्होंने इंडियन, जो इंडियन आर्मी के लोग हैं, इंडिया का एक भी उनकी सिक्योरिटी के अंदर नहीं है, विदेशों की सिक्योरिटी है, इंडिया के लोगों से तो इतना डरते हैं वो? मतलब प्रधानमंत्री की डरने भी लगे हैं? डरते हैं वो, डर के सारे शासन करते हैं जनता के ऊपर डरा के, लेकिन इस जनता ने अब डरना बंद कर दिया है, डर खुल गया है, तो वो अब हमसे डरते हैं क्योंकि इन्होंने सारी जिंदगी लूटा है हमें, इन पार्टियों ने। मतलब जिस प्रधानमंत्री की दाढ़ी से पाकिस्तान कांपता हो, अरे कौन सा पाकिस्तान कांपता है, कौन सा पाकिस्तान है? जो पाकिस्तान हो, अगर दाढ़ी से पाकिस्तान कांपता है तो फिर तो पता नहीं हो लिया, इतने साधु संत बाबा बैठे, फिर तो पाकिस्तान ने कभी युद्ध ही नहीं होने थे हमारे और पाकिस्तान के। चाइना अरुणाचल प्रदेश के अंदर जाके देखो, गांव बसाए बैठा है, गांव बसाए बैठा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये हर देश के, नेपाल जैसा देश छोटा सा, वो हमें आंख दिखाने लगे, पूरी पूरे चारों तरफ वैश्विक रिश्ते इतने खराब हो रखे हैं हमारे, सिर्फ और सिर्फ इनकी वैश्विक नीतियों की वजह से ऐसे खराब कानून लाने लग रहे हैं, पॉलिसीज ऐसी घटिया लाने लग रहे हैं। मोदी जी का डंका बज रहा है विदेशों में। अरे कौन सा डंका, किस, कौन सी रिपोर्ट बता दो, जो अब परसों ही रिपोर्ट आई है जो प्रेस फ्रीडम की, उसके अंदर जो किम जोंग उन है ना, उसके साथ 37 प्रधानमंत्रियों में कंपेयर किया गया, जो मतलब मीडिया को खाने वाला नरभक्षी जीव प्रधानमंत्री है, ऐसा नरभक्षी जीव प्रधानमंत्री है। मैं नहीं कहता, तानाशाह है, फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट देख लो, उसके अंदर हम पार्शियली फ्री देश है, आंशिक तौर पे गुलाम। तो कैसे निपटेंगे आप सरकार? संघर्ष से इनकलाब आएगा, भगत सिंह और गांधी दोनों की विचारधारा मिलकर इस देश को फिर से आजाद करवाएंगे।